हेलो गाइस, आपका स्वागत है वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। मैं मैंग दुबे आपका स्वागत करता हूँ। और एक चीज़ और कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कंटिन्यू करते रहो, है ना। मैंने देखो इसी से स्टार्ट क्यों किया है आज लेक्चर, क्योंकि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, चाहे वो जीएस है, अगर आप उसमें लगातार नहीं पढ़ते रहोगे तो एक टाइम बाद भूल जाओगे दोस्तों। तो ये मेरी एडवाइस है पर्सनली आप सब से कि उस पर कंटिन्यूस मेहनत करते रहें और अच्छे से कंटिन्यू पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें, डेली टारगेट बनाएं, मंथली टारगेट बनाएं, वीकली टारगेट बनाएं और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो चलिए आज जो है, आज भी मैं मैथ्स का नहीं लेके आया हूँ ना रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, तो आप सब समझ गए होंगे। हाँ, अपनी जो टॉप 50 सीरीज चला रहे हैं उसी में मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। तो आज टॉप 50 ऑथर्स एंड देयर बुक्स, मतलब आप समझ गए होंगे लेखक और मुख्य लेखक जो बहुत फेमस हैं, फेमस लेख राइटर्स, और उनका क्या है उनकी बुक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम वो करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगा, आप लोग जितना हो सके शेयर करिए बाकी लोगों तक भी नॉलेज पहुंच सके। और जो ये मैं आज का वीडियो बना रहा है ना, मैंने क्यों बनाया है कि इतनी जल्दी ये वाले वीडियो पे हम लोग क्यों आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया ना तो हम पे कंटिन्यू काफ़ी मेल्स आए, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम चाहे जो टॉपिक है ये वाला, जो इम्पॉर्टेंट ऑथर्स है और उनकी बुक, इस पे आपके लिए वीडियो बनाएं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की अब ये रिक्वेस्ट सुन ली जाए और आपके लिए वीडियो बना ली जाए। और आप लोगों को और भी कुछ लगता है कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर जितनी जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं पहला प्रश्न पढूं, पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और अगर मैं आपसे कहूं प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो ये है रस खान। अगली पुस्तक पे आ जाते हैं हम, मृच्छकटिकम पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो यह है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। अगली पुस्तक का नाम मैं लेता हूं कामसूत्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक है कौन है, तो वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन है इसके लेखक। अगली पुस्तक देख लेते हैं, दाय भाग के लेखक कौन है, तो जिमूत वाहन। कौन है? जिमूत वाहन। अगली ले लेते हैं हम, तो नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन है इसके ऑथर, तो इसके ऑथर है भाई प्लीनी। अगली पुस्तक देख लेता हूं मैं, दश कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है दंडी। ये कौन है? दंडी। अवंती सुंदरी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये भी है दंडी। अगला प्रश्न देख लें, बुद्ध चरितम इसके लेखक कौन है, तो अश्वघोष। अगला कादंबरी आपकी पुस्तक कौन है, कादंबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है बाण भट्ट। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अमरकोश। अमरकोश को याद करने का तरीका भी बहुत आसान है भाई, अमरकोश नाम ही अमर है, तो इसके लेखक भी कौन है, अमर ही है, अमर सिंह जी। अगला देखिए शाहनामा, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके फिरदौसी द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी द्वारा। अगला देखू साहित्य लहरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, हम लोगों ने काफी हिंदी में पढ़ी भी है इसके बारे में काफी कुछ। साहित्य लहरी के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो कौन है, तो सूरदास जी हैं। अगर मैं अगला पढ़ूं, सूर सागर ये किसके द्वारा लिखी गई थी, सूर सागर अगर मैं बोलूं दोस्तों तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये थी सूरदास द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास द्वारा। भाई हुमायूं नामा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है ये, हुमायूं नामा के जो अगर लेखक है वो कौन है, तो गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम है इसकी लेखक। अगला प्रश्न पढ़ लेता हूं दोस्तों मैं, नीति शतक ये जो पुस्तक है इसके कौन है, भर्तृहरि, ठीक है। तो ये क्या है आपके? भर्तृहरि हैं। नीति शतक के कौन है? भर्तृहरि। श्रृंगार शतक के कौन है? भर्तृहरि। और वैरण्य शतक के कौन है? भर्तृहरि। इन्हें याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, शतक शतक शतक, तीनों में शतक लगा हुआ है वैरण्य श्रृंगार और नीति के साथ, तो इसके कौन है, तीनों के ही जो लेखक है वो है भर्तृहरि। अगला देखता हूं, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के लेखक कौन है, तो ये है भाई नीरद चंद्र चौधरी। कौन है? नीरद चंद्र चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है,
पैसेज टू इंग्लैंड के अगर मैं बोलूं लेखक तो ये कौन है, तो नीरज चंद्र चौधरी हैं। इसके भी देखो हिंदुइज्म के भी नीरज चंद्र चौधरी हैं, पैसेज टू इंग्लैंड के भी नीरज चंद्र चौधरी हैं। अगला देखूं मैं अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसके कौन है, देखो सारी चीजें पैसेज टू इंग्लैंड दैट इज ओके, Hinduism, that is fine. Then autobiography of an unknown Indian is also written by Neeraj Chandra Chaudhary. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कल्चर इन द वैनिटी वैग, अगर ये देखूं मैं तो इसके भी लेखक अगर आप देखो तो नीरज चंद्र चौधरी हैं। तो चार बुक्स मैंने ऐसी ले दी है जिसका लेखक एक ही है, नीरज चंद्र चौधरी। अगला देखते हैं मुद्रा राक्षस, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है, बहुत ज्यादा आती एग्जाम में, मुद्रा राक्षस के जो लेखक है कौन है, तो विशाख दत्त है। इसके कौन है, विशाख दत्त। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि, कौन है पाणिनि, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगला देखते हैं भगवत गीता, भगवत गीता के लेखक अगर मैं बोलूं दोस्तों तो वेद व्यास है, कौन है, वेद व्यास है। महाभारत के वेद व्यास है, देखो भगवत गीता और महाभारत एक दूसरे को रिलेटेड है तो याद रखिएगा इन दोनों के लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। अगला देखें मीताक्षरा के लेखक कौन है, मीताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर, कौन है, विज्ञानेश्वर जी हैं इसके लेखक। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये है कलहड़, कौन है, कलहड़, पुस्तक जो है राज तरंगिणी इसके लेखक है कलहड़। अगर मैं अगला आपके सामने पढूं अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानते हैं, ज्यादातर लोगों को पता है अर्थशास्त्र के कौन है लेखक, तो चाणक्य हैं, चाणक्य नीति भी कहा जाता है इसे। कुमार संभव, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है, तो कुमार संभव के कालिदास जी हैं। रघुवंशम जो पुस्तक है उसके लेखक, रघुवंशम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो ये हैं कालिदास जी। तो आप देखिए, और फिर उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जो ये बुक थी बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा है प्रचलित है, ये भी कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। तीन जो मैंने अभी बुक्स पढ़ी कंटिन्यू, इनके तीनों के लेखक कौन थे, तो कालिदास जी थे। गीत गोविंद के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये है जयदेव जी, कौन है, जयदेव। मालती माधव के लेखक कौन है, तो भवभूति, अभी तक मैंने सारे इंडियन ही शेयर किया, आप लोग एक चीज याद रखना हमेशा, भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, तो ये भी भवभूति। देखो दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, भवभूति। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अगला अगर मैं पढूं आईने अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो ये है अबुल फजल। और अकबरनामा, देखो आईने अकबरी जहां पर अकबर जुड़ा है और नीचे भी अकबरनामा, दोनों के जो लेखक हैं वो कौन है, अबुल फजल हैं। ठीक है, अगला पढ़ता हूं मैं बीजक जो पुस्तक है उसके कौन है, कबीरदास जी हैं। अगर मैंने रमेनी पढ़ा, देखो मैं तीन नाम पढ़ने वाला हूं, बीजक, अगला जो मैंने लिखा हुआ है रमेनी, दूसरा है सबद, तीनों के लेखक जो हैं, तीनों प्रश्न के जो लेखक हैं वो हैं कबीरदास जी। तो मतलब बीजक, रमेनी और सबद किसके द्वारा लिखी गई है, कबीरदास जी द्वारा। अगर मैं अगला प्रश्न पढ़ू किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, इसके लेखक कौन है, अल बरूनी। कुली अगर मैं बात करूं, कुली की पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद, ये कौन है जी, मुल्क राज आनंद जी, मुल्क राज आनंद जी। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, कन्फेशंस ऑफ अ लव, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भी, कन्फेशंस ऑफ अ लव के पुस्तक के हैं मुल्क राज आनंद जी हैं। अगला एक और मैं पढ़ने वाला हूं, द डेथ ऑफ अ हीरो, तो देखो कुली, कौन, कन्फेशंस, Confessions of a Love, The Death of a Hero, तीनों पुस्तक जो हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, मुल्क राज आनंद जी द्वारा। अगला मैं पढ़ूंगा, ठीक है, The Judgment, अगला पढ़ूं तो Distant Nevers, मैं आपके सामने ये क्या पढ़ रहा हूं पहले मैं बता देता हूं, मैं बुकों के नाम पढ़ रहा हूं अभी सिर्फ। अगली पुस्तक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, उसके बाद है इन जेल, फिर है आपका इंडिया आफ्टर नेहरू, और फिर एट लास्ट में जो पढ़ने वाला हूं क्वेश्चन वो है बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस लास्ट जो आपका है वो क्या है, बिटवीन द लाइंस। ये पूरी की पूरी पुस्तकें जो आपकी हैं, छह की छह पुस्तकें, इसके लेखक है कुलदीप नायर जी, कुलदीप नायर जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, बुकों के नाम जजमेंट,
द डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, ये सारी पुस्तकें हैं। और फिर कॉमा आपका लास्ट जो है उसके पहले एक और है, इंडिया आफ्टर नेहरू, और एट लास्ट बिटवीन द लाइंस। ये सारी की सारी छह पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों? तो ये लिखी गई है द ग्रेट कुलदीप नायर जी द्वारा। ठीक है, तो आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो था बिटवीन द लाइंस, जो कुलदीप नायर जी का था। अब मैं आपसे आज के लिए अलविदा कहूंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा आप लोग इंजॉय कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, और क्या क्या आपके रिव्यूज हैं आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फिर से आपके लिए आगे के 50 जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स लाते रहेंगे और उस पर लेक्चर बनाते रहेंगे। चलिए आज मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।